वाले आपको ये जो आजकल औरतों को पैसे मिल रहे हैं वो भी जो डिवाइस वगैरह बंद होती है इस हिसाब से रिपोर्ट के मुताबिक ही बंद होता है, वो कहीं भी ऐसी कोई चैकिंग नहीं है कि उन औरतों को बिठाया जाए, सड़कों पर जलील हो रही होती है। आप अभी चेक कर रहे हैं तकरीबन यहाँ पे चार पाँच इससे 200-200 कटौती भी कर रहे हैं करें, लेकिन कम अज़ कम उनके बैठने के लिए कोई सहूलियात तो होनी चाहिए ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोर कोर्ट में। अगर यहां पर बात की जाए तो गुज़श्ता दो दिन पहले जो है यहां पर डीसी छांग ने कचहरी लगाई थी और उसमें कुछ शिकायत भी हुई थी, उसमें ये बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के जो आजकल पैसे औरतों को वसूल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता था कि ना तो कोई यहाँ पर बैठने की जगह बनाई जा रही थी और ना ही औरतें जो हैं वो जलील हो रही थी। उस हवाले से आज असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोर्ट नियाज मुगल साहब ने कार्रवाई की है, ये जामिन सामिन है तहसील चौक के बिल्कुल पास, उसके ऊपर आकर उन्होंने कार्रवाई की है, इस दुकान को सील कर दिया गया, इसकी डिवाइस के इनके खिलाफ FIR के भी आर्डर कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, एक तो आपने बहुत अच्छा इकदाम किया ये, और इस हवाले से आप दूसरे डिवाइस जो चला रहे हैं यहाँ पर उनको क्या पैगाम देंगे और इस हवाले से क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये अपना शिकायत पर हमने कार्रवाई की है, ये कटौती यहाँ पे ख़वातीन के जो पैसे हैं उनमें से कटौती हो रही थी तो उसके खिलाफ FIR भी दी जा रही है और ये दुकान भी हमने सील कर दी है। इसके अलावा मैं